हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। जो फेसबुक देख रहे हैं वो फॉलो करें और जो यूट्यूब देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। आज हम इस मिलिया डूबिया के प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों एक मिलिया डूबिया का प्लांट है जिसे देसी भाषा में मालाबार नीम कहा जाता है। ये नीम की ही एक वैरायटी है। नीम में और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये 35 से 40 फुट हाइट तक ऊपर चला जाता है और इसको जो लगाने का तरीका है, टाइम है, वो है फरवरी से लेकर अक्टूबर तक। इसका जो मटेरियल है, माचिस की डिबिया, बॉक्स, बहुत अच्छे अच्छे बॉक्स बनते हैं इसकी लकड़ी से। मालाबार नीम से आप एक किले से लगभग 40 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर इसे बाउंड्री पर लगाएं तो इसे 10-15 लाख रुपया कमा सकते हो। दोस्तों इसका लगाने का जो तरीका है 8x8 का है। अगर खेत में भी लगाएं तो 8x8 पर ही लगाएं। अगर बाउंड्री पर लगाएं तो भी इसी डिफरेंस पर ही लगाएं। इसको लगाने का जो तरीका है, चाहे ड्रिप सिस्टम से लगाएं, चाहे वैसे लगाएं, चाहे क्यारी में लगाएं, ये हर तरह से लग जाता है। मालाबार नीम की एक और ख़ासियत यह दोस्तों, ये 5 साल में तैयार हो जाता है। 6 से 12 क्विंटल तक का हो जाता है जिसका भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल है। जबकि देखें हमारे किसान भाई सफेदा और पपड़ लगाते हैं, उनसे दोगुना भाव है इसका। सफेदा और पपड़ का रेट जबकि 300 से 250 के बीच में ही रहता है। मालाबार नीम को लगाने के लिए थोड़ी रेतली मिट्टी होनी चाहिए। वैसे तो मेरे दोस्तों ये हर जगह हो जाता है, जैसे देसी नीम जहाँ होता है वहाँ मालाबार नीम भी हो जाता है। मिलिया डूबिया के इस प्लाट के तीन साल तक हम जैसे सब्जी, घिया, टमाटर, बेल वाली सब्जी कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कम पानी में होता है और इसका जो फैलाव होता है 8 मीटर तक जाने से, ऊपर जाने से, तब ये ऊपर जाकर फैलता है। जैसे कि सफेदा और पपरल में हम कोई सब्जी या कनक या कोई धान नहीं लगा सकते। इसमें हम 3 साल तक कोई भी फसल या खेती कर सकते हैं। मेरे दोस्तों इस मालाबार नीम की एक और ख़ासियत है, ना ही तो इसमें दीमक लगती है और ना ही घुन लगता है, क्योंकि इसकी लकड़ी कड़वी होती है और इसकी लकड़ी की मार्केट में डिमांड भी बहुत है। 5 साल तक इसका रेट बढ़ने ही वाला है। इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी हैं, जब इस प्लांट को लगाएं और ये नीचे से फूट करे तो इसकी पत्तियों टहनियों को तोड़ देना चाहिए। ऊपरला जो हिस्सा है उसको सीधा ऊपर जाने देना चाहिए। 6 महीने पीछे इसकी कटिंग करनी चाहिए। इसको जो लगाने का समय है वह फरवरी से लेकर अक्टूबर तक बहुत बढ़िया है। साउथ में इसकी बहुत बढ़िया मार्केट है। अब तो भारत में भी इसकी अच्छी खेती होने लगी है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बहुत ज़ोरों पर इसकी खेती हो रही है। मिलिया डूबिया का यह प्लांट मेरे दोस्तों 5 साल में तैयार हो जाता है। अगर इसकी केयर ना करें तो 7 साल भी लग जाते हैं। इस प्लांट की एक और ख़ासियत है दोस्तों, ना ही इसमें घुन लगता है और ना ही दीमक लगती है, क्योंकि इसकी लकड़ी कड़वी होती है और इस लकड़ी से बॉक्स, माचिस की डिबियां और अच्छे अच्छे बॉक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी कड़वी होती है, इसमें घुन और दीमक की तो शिकायत ही नहीं होती।